नवरात्र के खास मौके पर चौक चौराहे गली गली सजने वाले पांडालों में माँ दुर्गा की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं की स्थापना होती है और पूरे 9 दिन तक पांडालों में प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। इसके बाद इन प्रतिमाओं को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर काशी में मिट्टी की एक ऐसी माँ दुर्गा की प्रतिमा है जो 250 साल से आज भी उसी मंदिर में स्थापित है जहाँ सन 1767 में स्थापित की गई थी। इतना ही नहीं, प्रतिमा का जब विसर्जन करने की कोशिश की गई तो माँ दुर्गा की ये प्रतिमा अपने स्थान से तस से मस नहीं हुई। कुछ यही इतिहास है काशी में स्थापित माँ दुर्गा की इस अद्भुत प्रतिमा का। दुर्गा पूजा पर लगने वाले पांडाल के लिए पश्चिम बंगाल पूरे दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगे पांडाल बनाए जाते हैं। यही वजह है कि नवरात्र में दूर दूर से लोग माँ दुर्गा का पंडाल देखने के लिए पश्चिम बंगाल पहुँचते हैं, खासकर कोलकाता। और अगर कोलकाता नहीं जा पाते तो उत्तर प्रदेश में महादेव की काशी वो जरूर पहुँचते हैं, क्योंकि कोलकाता के बाद कहीं का पांडाल अगर सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है काशी का पूजा पांडाल। लेकिन काशी हो या कोलकाता, इन शहरों में लगने वाले पूजा पांडालों में स्थापित माँ दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा को नवरात्र के बाद नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन काशी के मदनपुरा इलाके में एक ऐसा पंडाल है जहाँ माँ दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। जब 1730 से 1740 के बीच बंगाल के कुछ अमीर परिवारों का गृहस्थ के रूप में काशी आना शुरू हुआ और माना जाता है कि इसी परिवार ने सबसे पहले काशी में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की, जिसके बाद 1767 में बंगाल से आए मुखर्जी परिवार ने मदनपुरा इलाके में माँ दुर्गा की 250 साल पुरानी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की थी। ये मदनपुरा क्षेत्र में गरुड़ेश्वर में प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है, 1767 से स्थापित है और प्रतिवर्ष के भांति यहाँ माँ का भव्य पूजन होता रहता है। जितना श्रद्धा उतना भक्ति से माँ का पूजन होता रहता है। ये कौन सी मिट्टी है? 1767 में हुगली जिले के बनारस में आके इन्होंने मुखर्जी परिवार ने माँ का पूजा किया था। उसके बाद दशमी के दिन विसर्जन के दिन माँ को माँ अपने स्थान से हिली नहीं, फिर रात में माँ ने स्वप्नादेश दी कि मैं काशीवास करूँगा, मुझे विसर्जित मत करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा बहुत खर्चीला है, तो उन्होंने कहा उसका तुम चिंता न करो, जितना शक्ति उतना भक्ति से पूजा करो, गुड़ चने से मेरा सेवा करना और तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशी रहेगा। काशी में नवरात्र पर्व के दौरान वैसे तो एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल लगता है, लेकिन इस पंडाल की जो खासियत है वो तमाम भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, जो यहाँ दर्शन करता है तो समझ लीजिए माता वैष्णो के दर्शन कर लिए। इस बाड़ी का भक्त समझ लीजिए कि अपने दिल से आत्मा से तो हम समर्पित नहीं कर सकते, इनका महत्व अनंत है, इसका कोई वर्णन ही नहीं किया सकता है। एक तो ये प्राचीन माँ है और करीब 250 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। विष्णु भगवान है, गणेश जी है, अन्नपूर्णा जी है। तो यहाँ पर जो है नवरात्र में एक तरह से मेला लगता है 9 दिन का, और जो प्रतिदिन आने वाले वो प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने माँ का। ये माँ का ऐसा सच्चा दरबार है, यहाँ जो दिल से आत्मा से जो माँ के पास तड़पता है उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण कर देती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस दरबार से कोई खाली नहीं रहता। जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, तो इसमें कोई दूरा नहीं है। जो यहाँ आता है तो उस मलि वैष्णो माता के दरबार में आता है। कितने वर्षों पुरानी का मतलब, पुरानी तो बताए ना आपसे, करीब 250 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और जैसा ही गुरु जी ने आपको बताया कि हमने भी बताया, इसके पहले बता चुके हैं आपको, गर्भ से वही स्वप्न में आए, माँ आई, उन्होंने कहा को चना का ही हमको भोग लगा दीजिए, उसी से हमारा जो है संतुष्टि हो जाएगी और हमको काशीवास करना है। तब से माँ काशीवास कर रही है, माँ यहाँ पड़ी है अपने बच्चों के साथ। जो लोग दर्शन करने आते हैं उन पर माँ कृपा बढ़ाती है, उनको आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं मूर्ति विसर्जन के पूर्व रात्र में मुखर्जी परिवार को स्वप्न में यह आदेश मिला कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। पहले तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विसर्जन की तैयारी कर ली, लेकिन जब विसर्जन की बेल आई और लोग नम आंखों से विदाई के लिए प्रतिमा को उठाने लगे तो वो टस से मस नहीं हुई। कोशिश के बावजूद प्रतिमा अपने स्थान से नहीं हिली, तब से ये प्रतिमा अपने स्थान पर उसी तरीके से है। वैसे तो पूरे साल दुर्गा प्रतिमा की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा होती है।
1767 में बंगाल से काशी आकर बसे जिस मुखर्जी परिवार ने इस अद्भुत प्रतिमा को स्थापित किया था, उस मुखर्जी परिवार की बड़ी बेटी मधुचंद्रा बनर्जी कहती हैं। वो कोलकाता से काशी आई हैं माँ दुर्गा की इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन के लिए। मधुचंद्रा बनर्जी ने बताया, ये मिट्टी की प्रतिमा सदियों पुरानी है जिसे आज तक विसर्जित नहीं किया जा सका। मैं कलकत्ता में वैसे रहती हूँ, अभी आई हूँ पूजा के वास्ते, पिछले साल नहीं आ पाई थी कोरोना के वजह से। तो यहाँ पर तो 1767 में यहाँ पहली बार पूजा हुई थी, तब से चली आ रही है। तो उस समय जब पूजा के बाद विसर्जन के दिन आया तो मूर्ति जो उठाई नहीं जा सकी, मूर्ति उठाया नहीं जा सका, जिसके कारण से बहुत थक गए, सबको बहुत परेशान हुए। लेकिन दूसरे दिन भी लोग और भी ज़्यादा लोगों को बुलाने के बाद भी जो है मूर्ति उठाई नहीं जा सके। तो रात में हमारे जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने पूजा प्रारंभ की थी, उनको सपना में आज माँ ने दर्शन दिया कि हम यहीं पर रहेंगे, हमको उठाने की कोशिश मत करना, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी क्षमता कहाँ है कि मैं पूजा का आपका पूरा भार मैं पूरे साल भर ले सकूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, थोड़े से गुड़ चना तो दे सकते हो, गुड़ चने से ही मैं संतुष्ट हो जाऊँगी। तो यही सोच करके तब से, तो फिर माँ को यहीं पर प्रतिस्थापित किया गया, तब से जो है चली आ रही है। हम लोग जितना अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। बहुत लोग, बहुत भक्तगण आते हैं और आकर दान दे जाते हैं, पूजा के लिए सामग्री दे जाते हैं। हर साल कोई ना कोई पहले से ही बता के रखता है कि हम इस बार पूजा की साज सज्जा के बारे में सोचे, तो हर साल जो है साज सज्जा बदली जाती है और प्रतिदिन जो हिसाब से माँ का पूजन सुबह शाम होता है, आरती होती है और साल भर में पूजा के समय पूजा होती है, पूरा दिन 4 दिन तक पूजा होती है, हमारा तो विसर्जन होता नहीं है। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में स्थित इस अद्भुत मंदिर में 255 सालों से ये प्रतिमा आज भी उसी तरह से स्थापित है जैसे 1767 में स्थापित की गई थी। इतना ही नहीं, मिट्टी की प्रतिमा होने की वजह से और कुछ परंपराओं का निर्वहन करने के लिए वैसे तो 9 दिनों के बाद तमाम पूजा पांडालों से तो माँ दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमाएं विसर्जित हो जाती हैं, लेकिन मदनपुरा के दुर्गा बाड़ी के पांडाल में स्थापित ये प्रतिमा कभी विसर्जित नहीं की जाती। माँ दुर्गा का ये पांडाल आज इतना मशहूर हो गया है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। आप भी कभी वाराणसी के दौरे पर जाएं तो माता रानी की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन जरूर करें।